अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बताइए सर, क्या आज आपने किस ज़मरे के तहत जो है नॉमिनेशन फाइल किया है और क्या उम्मीद है आपको? मैं जो है मुतल्लिया के जो इलेक्शन हो रहा है वक्फ बोर्ड का, उसमें जो है मुतल्लिका नॉमिनेशन किया हूँ वक्फ बोर्ड मेंबर बनने के लिए। दुआ कीजिए इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। और जो है ये जो इलेक्शन हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो वक्फ के अंदर है। इसमें जो है मुतल्लियों को भी एक बहुत बड़ा एक ये होता है कि वो मुतल्ली एक अपने रिप्रेजेंटेंट चुने। यहाँ पर क्या हो रहा है, अक्सर काम करने के लिए कौम और मिलत का दर्द होना चाहिए। आज आप लोगों को मालूम है आज के हालात क्या हैं हिंदुस्तान में, इसलिए यहाँ पर अब तो प्रॉपर्टी जो है वक्फ जो हमारे बुज़ुर्ग ऑलरेडी डोनेट करके गए हैं, सो प्रॉपर्टी उसकी रखवाली सही नहीं हो रही है। आज कहीं भी देखो, कहीं चौराहे पर देखो, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसकी कोई देखभाल नहीं है। और कोई ना बिल्डिंग बन रहे हैं, ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना वो उसमें से लेकर इनकम लेकर ना इसके लिए कौम के लिए कौम और मिल्लत के लिए कोई फ़ायदा हो रहा है। बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसे ही ढकला जा रहा है। हमारी तमन्ना ये है कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है जो बुज़ुर्ग दिए हैं हम लोगों को, इसमें डेवलपमेंट करें और उससे जो है कौम और मिल्लत के लिए काम आए। आज हमारी कर्नाटका में कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, किसके क्या फ़ायदा, इतने करोड़ों के लाखों एकड़ों की ज़मीन है हमारे कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हमारे बच्चे वहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में ही काम करेंगे। या क्या होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बड़े बड़े डोनेशन दे के पढ़ते हैं बच्चे, वो लोग क्या करते हैं कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पर उनको अच्छा एजुकेशन, फ्री मेडिकल दिए तो बच्चे यहीं पर पढ़ेंगे। ये हमारे बाप दादा जो प्रॉपर्टी दिए थे उसमें हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, हमारी कौम के लिए वो काम आएंगे, वो असासा है हमारे लिए। और पूछेंगे आगे आने वाले दिनों में बच्चे कि तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग वक्फ की प्रॉपर्टी भी नहीं बचाए, ना कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, ना यूनिवर्सिटी बनाए, ना हॉस्पिटल बनाए, ऐसे ही प्रॉपर्टी छोड़ दिए। तो इसलिए हमारी तमन्ना है इंशाअल्लाह पूरे मुतल्लियाने इकराम कर्नाटका से मैं आज ही जाना गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप किसी क्या ये नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए काम करें। मुतल्ली की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो वहाँ पर चुनकर जब आते हैं तो वो मोहल्ले के एक बड़े जिम्मेदार होते हैं। कोई भूखा प्यासा अगर रहा तो भी वो मुतल्ली की जिम्मेदारी होती है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी बचाना भी उनकी एक जिम्मेदारी होती है। उसके ऊपर इंशाअल्लाह अगर आप लोग साथ दिए तो हम लोग आएंगे, चुनकर आएंगे। मैं चुनकर आ गया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स पहले बनाएंगे। आने वाले दिनों में आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से क्या क्या परेशानी हो रही है। हमारे अगर सही डॉक्यूमेंट्स रहते तो इतनी परेशानी नहीं होती थी। तो बराए मेहरबानी मैं आजिज़ाना मुतल्लिया इकराम से कर्नाटका के गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए वोट दें। ऐसा नहीं कि कोई इन्फ्लुएंस के लिए, कोई इसके लिए वोट ना दें, फलाना आदमी है, फलाना ये है। मैं नसीर अहमद ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैंने बहुत सी खिदमत कौम और मिल्लत के लिए अंजाम दी है। मैंने कोरोना में भी बहुत काम किया है, और परसों जो वायनाड में जो बहुत बड़ा ये हो गया उसमें भी, सैलाब आ गया उसमें भी हम लोग हमारी टीम जाके 4-5 रोज रहकर पूरा काम करके आए हैं। और बहुत से कौम और मिल्लत के लिए काम किया हूँ। के मामले में आपका क्या तजुर्बा? इंशाल्लाह वक्फ के मैं जो जामिया मस्जिद चिकमंगलूर के जो है मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ उसका। वहाँ पर जब हम लोग थे तो उससे पहले जो हालात थे वो मैं आपको नहीं बता सकता। जब हमने चार्ज लिया तो उसकी इनकम 4 वत्ती या 8 वत्ती कर दिए हमने, और जो 2 लाख रुपये आ रही थी तो हमने 12 लाख रुपये उसकी इनकम की थी। और इतने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टर्म में जो है एविक्शन किराए, हम प्रॉपर्टीज छुड़ाए जो गैर कानूनी बैठे हुए थे, बरसों से बैठे हुए थे, ना उसका कोई पुरसान हाल था, ना उसमें कोई भाड़ा आ रहा था, ना कोई रेंट आ रहा था। सिर्फ ऐसा ही हो रहा था कि दबा रोग रुबाबदारी में बैठे थे, ना छोड़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो रोशन बेग साहब जब हमारे चिकमंगलूर के मिनिस्टर थे उनको मालूम है, खुद हमने और उन्होंने कितना क्या काम किया है। और ज़मीर अहमद साहब जो है नौजवानों के लिए एक मसीहा हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आज ज़मीर साहब हम लोगों का साथ दें। क्यों बोले तो वो हर जगह कहते हैं कि नौजवानों को साथ लेकर चलना है। मैं आजिज़ाना हमारे मिनिस्टर साहब के कौम के हमदर्द से गुजारिश करता हूँ कि वक्त में हमारे से लोगों को भी
चुनने के लिए आसान फरमाए और दुआ फरमाए इंशाअल्लाह। वक्त में अगर चुन के आ गए तो कौम मिल्लत का काम करेंगे इंशाअल्लाह फरमाए।